उच्चार करते हैं। जिया सूरज हथेली पे सजा लेना तो आशा है, जमाने का जो मुस्तकबिल है हम तैयार करते हैं। इंस्पेक्टर डिग्निटी ऑफ द डायस और चीफ गेस्ट मुनीता गांधी फरीद है, मुनीता आयास चौधरी और प्रेसिडेंट मोहसिन मीर सिंह के, प्रिंसिपल डॉक्टर विश्राम सर, ट्रेजरर शोएब वर्दी साहब और वो जॉइंट सेक्रेटरी शाहजाद अहमद साहब और प्रिंसिपल ऑफ नेशनल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज अब्दुल्ला सर, प्राइमरी प्रिंसिपल नेहिन मैडम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सना मैडम, वाइस प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, डियर स्टूडेंट, माय लेक्चरर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से जज़ाकअल्लाह टू सना मैडम सना फरीद, हू डिड अ वंडरफुल जॉब इन द एब्सेंस ऑफ डॉक्टर मिश्राम सर हु इज ऑन द मेडिकल लीव फॉर 7-8 मंथ्स, रियली वंडरफुल जॉब सना, वेरी डन। आई विल लाइक टू से जज़ाकअल्लाह एंड थैंक्स टू डॉक्टर मुनीता फरीद हु हैज गिवन हर वेरी गुड टाइम टू अस एंड एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन एज अ चीफ गेस्ट, थैंक यू जज़ाकअल्लाह। And before I start for my message to you, with the permission of our President Mr. Mohsin Meer Singh, I am switching myself to mix of Hindi and Urdu so students can better understand. Dear students, education plays very important role in your life, especially ladies ko bhi aur ladki ko bhi palna bahut zaruri hai. You can check Allah ke Rasool sallallahu alaihi wasallam ki hadith hai ki auraton ko bhi ladkiyon ko bhi padhao. Islam has given permission to all equally. लेडीज और जेंट्स का कोई सेपरेशन नहीं है, इक्वल है लेडीज और जेंट्स। तो आपको आपके करियर पे ध्यान देना है, एजुकेशन पे ध्यान देना है। एज नेपोलियन हैज सेड, यू मी अ गुड एजुकेटेड मदर, आई विल गिव अ ग्रेट नेशन। ये नेपोलियन ने उस समय में कहा था, व्हेन यू टीच अ गर्ल यू टीच अ कंप्लीट सोसाइटी, यू टीच अ जनरेशन। तो आप लोगों का एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। यू गॉट टैलेंट, आई नो दैट यू गॉट टैलेंट, somebody should break the ice, ऐसा है। आप लोग घबराते करके मनिकुल मीडियम से आके पढ़ना, कोई सब मनिकुल मीडियम से आके पढ़ते हैं, अपने अपने पोस्ट पे जाते हैं, तो डोंट अफ्रेड फॉर दैट, आई एम ऑलवेज टेलिंग, ओके। और इस्लाम में एजुकेशन के वास्ते अल्लाह के रसूल ने जो खैर दी है लड़कियों के वास्ते, लेडीज फर्स्ट का नारा आज ये लोग चला रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने 1450 साल पहले कहा था कि पहले कुछ भी घर में चीज़ लाओ, पहले पसवाड़ा को। इम्पॉर्टेंस जो इस्लाम में औरतों की और वुमेंस की है, यू कैन जस्ट गो थ्रू माई आर्टिकल, उसमें कुछ इनपुट्स फ्रॉम डॉक्टर नेल्सन मंडेला के बुक से भी है, इट इज़ अ लेंथी आर्टिकल इन मैगजीन, यू कैन गो थ्रू इट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका एजुकेशन होना, आपने अगर पढ़ाई की तो आपने पूरे जनरेशन को पढ़ा दिया, ओके। व्हेन यू एजुकेटेड अ मैन, यू एजुकेटेड अ मैन, पैरिंग यंग ने कहा था, व्हेन यू एजुकेटेड अ मैन, यू एजुकेटेड अ मैन, व्हेन यू एजुकेटेड अ वुमेन, यू एजुकेटेड अ जनरेशन, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो लड़कियों को पीछे रहने की जरूरत है, वो दौर खत्म हो गए कि लड़कियां पीछे रहेंगी रहेंगी, लड़कियों को हर फील्ड में हर चीज़ में आगे रहना है, अपने इस्लाम को और इसको साथ में लेके चलना, अपने मज़हब के साथ में मज़हब के ट्रैक को छोड़ना नहीं है, साथ में एजुकेशन भी करना है। क्यों, मैं अपनी स्पीच डॉक्टर मोहम्मद अली जौहर के उस शेर से खत्म करने वाला हूँ, जो उन्होंने अपनी बेटी को एक नसीहत दी थी, व्हेन ही वाज इन जेल एट द टाइम ऑफ फ्रीडम, उनको उनकी बच्ची का निकाह था लेकिन उनको अंग्रेजों ने छोड़ा नहीं था, उन्होंने एक बहुत प्यारी नसीहत दी थी। वो नसीहत कही कि मैं अपनी बात खत्म करूँगा, मोहम्मद मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने यह रिटर्न अ पीस ऑफ पेपर फ्रॉम जेल टू हर डॉटर, उन्होंने इतना लिखा था, खुद जल के जो करती है फिजाओं को मुनव्वर, खुद जल के जो करती है फिजाओं को मुनव्वर, कुछ शम्मा के माने हैं नए घर में भी जलना, अब ससुराल तेरा अजल भी है अबद भी, डोली से चली है तो जनाजे से निकल। थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन फॉर मैनेजमेंट ऑल्सो ऑलवेज एनकरेजिंग मी टू से फ्यू वर्ड, थैंक यू ऑल। Thank you, sir. Your words are so enlightening. Now I would like to